साथी हो तो लेगा नहीं रखना। चली सरकार मुर्दाबाद, प्राणी पेंशन बहाल करो, एमपीएस बंद करो। मुख्यमंत्री बढ़ाया जी अदालत, वो सानू एदा अदालत की लोड़ नहीं पड़ी। जेड़ा मसले हल ही नहीं कर सकता, सानू एदा के मसले लोड़ नहीं। जेड़ा बना रहा लगातार, जे तू अदालत है कदे सप फड़ लग जाना, कदे कहना मैं आ भी कम तेरा, अज तक तो मुख्यमंत्री है भाई, तेरा काम पर अज दसना कि मैं दिहाड़ियां करता रहा कि मैं सप फड़ता रहा, कदे उदा दिया पोस्टा। अज तू मुख्यमंत्री है, तू मसले हल कर, जिहड़ियां पैसा तू लैंदा इन्हां लोकां नूं भी पैसा लैके दे। इस करके अगले जिहड़े दलित मुद्दे आ उन्हां दे उत्ते भी गल उस माध्यम तों करदे रहांगे, ते लगातार लड़ाई आ जिहड़ी उह जग दे मैदान च रहांगे। अगले सरकार उह बणेगी जिहनूं तुसीं चाहोगे। इस करके सरकार दे साथीओ, एक विश्वास दा दवा विश्वास दवाउंदा होइआ कि लगातार तुहाडे हिताँ हक्कां दे लई लगातार संघर्ष दे सवाल करांगे भी तुसीं तां अपणियां पेंशनां पक्कियां कर लईआं, पर इह मुलाजमां दा की आ जिहड़े अजे भी सड़कां ते 1200-1600 पेंशन लै गए। विजयपाल शर्मा जी कोई घट नहीं, लगातार आनंदपुर साहब तो ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਬਾਰਡਰ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਮਰਿੰਡਾ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ 35-40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਦੇ ਅੱਜ ਆ ਗਈ ਕਦੇ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮੀਟਰ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਚੱਲੀ ਗੱਲ ਚੰਨੀ ਕਰਦਾ ਮਸਲੇ ਹੱਲ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਰੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ,
सो अज भी सानू आस है इसे करके सारे साथी कट्ठे होए है कि साडा जिहड़ा मसला है वह जल्दी तो जल्दी हल किया जाएगा। जिवें बसी पठाना और फतेहगढ़ साहब के सीधे महकमे ने बंदे रख के मीटर रीडिंग का काम जो 9495 रुपया तनखा जी डीसी रेट के हिसाब न उन्होंने दिती जाती है तो सानू भी इसे तरह जी तनखा महीने के हिसाब से डीसी रेट के हिसाब से सानू मिलनी चाहिए है। होर साडी असी सरकार को कोई मंग नहीं करते भी सानू रेगुलर करो या किस तरह करो, ठीक है जी। साडी इको मंग है भी सानू सीधा महकमे के अंदर लैके डीसी रेट प्रोवाइड किया जाए ता जो महकमे का रेवीन्यू भी बनया रहे ते पब्लिक नू जिहड़ा इस टाइम चार चार महीनों के छे छे महीनों के बिल आते हैं वो सिर्फ मीटर रीडर की हड़ताल करके आते हैं क्योंकि मीटर रीडर तनखाह नहीं मिलती तो मीटर रीडर हड़ताल से चले जाते हैं। सो इस करके बेनती है सरकार नू भी ते बिजली बोर्ड नू भी कि इन्हां कंपनियां नू बाहर कढ़ के सीधा ही तुसीं सानू जिम्मेवारी दिओ ताकि असीं अपना काम जिहड़ा पूरी जिम्मेवारी दे नाल ये मीटर रीडिंग का काम है वो आप कर सकीए जिद महकमे का रेवीन्यू भी बनया रहेगा तो सरकार का रेवीन्यू भी बनया रहेगा। हाँ जी अगर मंगा नहीं मनिया गई तो अगर स्टैप की होगा सर मंगा नहीं मनिया गई तो अगला स्टैप फिर संघर्ष होर तिखा होगा। कल असी रोपड़ सर्कल का धरना लाया सी ते अज मरिंडे पंजाब लैवल का धरना मरिंडे दे विच है। सो नहीं मंगा मनिया गई फिर गाह उतरांगे सड़कों पर उतरांगे फिर पटियाले जावांगे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा जी। Yeah.